रेवाड़ी के गांव पावटी के बांध के निकट स्थित एक ढाबे के सामने मोटरसाइकिल पर आए 5 युवकों ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दी। बदमाश 5 हवाई फायर करने के बाद मौके से फरार हो गए। आरोपितों में एक युवक गांव जाबुआ का रहने वाला है। ढाबा संचालक के भाई द्वारा प्रेम विवाह करने की रंजिश में फायरिंग करने का संदेह है। बावल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को दी शिकायत में गांव रानौली के रहने वाले नीरू उर्फ नरवीर ने कहा कि उन्होंने गांव पावटी के बाद के निकट ढाबा बनाया हुआ है। हर रोज की भांति आज भी उनका भाई जयवीर ढाबे पर थे। इस दौरान गांव झाबुआ का रहने वाला राहुल उर्फ कातिल मोटरसाइकिल पर 2 अन्य युवकों के साथ ढाबे पर पहुंचा और उनके भाई के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। राहुल के पास पिस्तौल थी। पिस्तौल देखकर उनके भाई जयवीर खेतों की तरफ भाग गए। उस समय राहुल अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। नरवीर के अनुसार शाम को वे ढाबे पर थे। इसी दौरान राहुल मोटरसाइकिल पर अपने 4 अन्य साथियों के साथ फिर से ढाबे पर आ गया और पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। गोली चलाने का कारण पूछा तो फिर से 4-5 राउंड हवाई फायर किए और मोटरसाइकिल पर पावटी बांध की तरफ भाग गया। सूचना के बाद बावल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। नरवीर के अनुसार उनके भाई राजेश ने कुछ समय पहले गांव झाबुआ के रहने वाली एक युवती से प्रेम विवाह किया है। युवती शादी के बाद उनके घर रानौली में रह रही है। आरोपितों पर इसी रंजिश में फायरिंग करने का संदेह जताया गया है। फिलहाल बावल थाना पुलिस ने नरवीर की शिकायत पर आरोपितों के विरुद्ध हवाई फायरिंग करने व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैंने एक होटल ले रखा है, यहाँ होटल कर रखा था। वहाँ से 5 बंदे आए जिन्होंने मेरे पर राउंड फायरिंग की। एक राउंड फायरिंग करने के बाद में मैंने अपना बचाव किया, जिससे मैं उनकी तरफ भागा तो वे पावटी की तरफ भाग गए 5 बंदे, जिनको एक बंदे को मैं जानता हूँ, राहुल उर्फ कातिया जो झाबा निवासी का है। मेरा कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का कोई मैटर नहीं है, उनसे नहीं करने लायक है वो मेरे साथ। मेरा नाम नीरू उर्फ नरवीर है, सनो विजय सिंह, गांव रानौली का हूँ। और ये पावटी बांध पे पावटी का ये जमीन लगती है जहाँ मैंने ये होटल ले रखा है। तो प्रकार की कोई रंजिश नहीं है, रंजिश करने लायक भी नहीं मेरी। मेरे भाई ने एक लव मैरिज करी थी गांव झाबुआ से, उस मैटर में लग रहा है मेरे को। वो तो जो प्रशासन ही बताएगा क्या होता है क्या नहीं, जी पकड़े जाएंगे। साहब को दिया, SHO साहब आए थे, जितने थानेदार आया था, एक थानेदार और था उनके साथ, 3 आए थे यहाँ पे मौके वारदात के, सबकी में मुआवना कर गए थे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर देंगे। नीरू पुत्र विजय निवासी रानौली की कल शिकायत प्राप्त हुई थी कि राहुल निवासी झाबुआ ने, यहाँ उसके भाई ने होटल करा के, वहाँ आकर उसने हवाई फायर किए हैं, जिसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जाकर तफ्तीश की जा रही है, जो आरोपी के गिरफ्तार करके सारे मामले का क्लियर किया जाएगा। अपराधी 5 बताते थे, उनमें सच्चा क्या हो? ये अभी तफ्तीश का पार्ट है। वो ये कह रहा है भाई मैं एक को जानता हूँ जिसने फायर हवाई फायर किए थे, वो राहुल था। तो आगे क्या इन्वेस्टिगेशन रहे? उसको गिरफ्तार करके और उसके साथियों के बारे में पता किया जाएगा।